और अगर आप एंग्जाइटी देखेंगे तो एंग्जाइटी जो है डिप्रेशन का एक माइल्डर फॉर्म ही होता है। आप ऐसे समझ लीजिए डिप्रेशन डार्क ब्लू है, एंग्जाइटी लाइट ब्लू है। एंग्जाइटी में बस नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा होगी, फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा होंगे, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, शिवरिंग होना, पसीने आना या फिर चीजें भूल जाना, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डिप्रेशन। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show, and today we are going to talk about mental health, and for that we have Dr. Jatin with us. Hello sir, how are you? Hello Vidushi, hello everyone. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में द गुड हेल्थ शो में। आज का शो बहुत खास है क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मेंस मेंटल हेल्थ। एंड इसको शुरू करने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और हमें पता है कि हर चार व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, ये रिसर्च बताते हैं। सो आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो खुलकर बात करना तो बहुत बड़ा टास्क है, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, बच्चे हो, एडल्ट हो, कोई भी हो। लेकिन जब एक आदमी के ऊपर वो बात आती है तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग आदमी को हमेशा देखा जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग डेवलप कर दी है और इस वजह से जो एक मेन है वो बात नहीं कर पाता अपने दिल की खुलकर। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी सर, बिकॉज आप इस फील्ड में हैं और आप देखते हैं मेंटल हेल्थ के बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। सो आपको क्या लगता है कि कितना खुलकर एक आदमी बात कर पाता है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में? देखिए नॉर्मली सबके लिए डिफिकल्ट होता है ओपन अप कर पाना, नॉर्मली एक स्टिग्मा रहता है मेंटल हेल्थ के लिए कि भाई आपको कोई परेशानी है। बट व्हेन इट कम्स टू अ मेल, जब किसी आदमी की बात होती है, मर्द की बात होती है, इट इज अ वेरी कॉमन नोशन कि मर्द को दर्द नहीं होता exactly. या लड़के रोते नहीं है exactly. इस टाइप के जो नोशंस है वो हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट है और उसकी वजह से कई बार मेल्स जो है वो अप्रोच नहीं करते हैं हेल्प लेने के लिए। दूसरा एस्पेक्ट जो कि हमें देखने को मिलता है कि रॉन्ग कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो इनकल्केट करी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है गलत कोपिंग स्ट्रेटजीज को, जैसे कि फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करेंगे अरे यार एक सिगरेट पी लेगा स्ट्रेस आउट हो रहा है तो, अरे ड्रिंक तो करेगा तू, मर्द है तो ड्रिंक तो कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो वो पहले ही परेशान हो रहे होते हैं और फिर जो गलत कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं उनका सहारा लेके फिर वो ड्रिंक सिगरेट करके उनकी प्रॉब्लम कई बार और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली सर, और मैंने ये भी देखा है कि जो मेल होते हैं वो वैसे तो अपने दिल की बात जल्दी से किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और अगर अपने दोस्तों के पास जाते हैं भी शेयर करने तो दे आर लाइक कि अरे सब ठीक हो जाएगा, चल पार्टी करते हैं। तो वो बीइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस को सप्रेस कर दिया है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा आपने बोला मर्द को दर्द नहीं होता है और इस चक्कर में ना मर्द जो है वो रो पाते हैं ना भी फीलिंग शेयर कर पाते हैं। और आज इसीलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि अवेयरनेस आए हर एक इंसान के बीच में। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि कौन से ऐसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो एक मेल में देखे जा सकते हैं? देखिए मेल्स में वैसे तो सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेवलेंट है, मेंटल हेल्थ इश्यूज कोई जेंडर के बेसिस पे नहीं आता है, बट हाँ कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि मेल्स में जो केसेस है वो कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिकॉज मेल्स रीच आउट टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ थेरेपिस्ट एट अ वेरी लेट स्टेज फॉर द वेरी सेम रीजन कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस दबा के रखते हैं। तो मेल्स आर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड, हालांकि फीमेल्स में डिप्रेशन का रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, बट मेल्स आर मोर लाइकली टू कम्प्लीट सुसाइड, फोर टाइम्स मोर लाइकली टू कम्प्लीट सुसाइड देन फीमेल्स, एंड रेट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, एल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, मैरिजुआना यूज एंड ऑल दिस थिंग्स इज मच मोर इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज वो एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की तरह उनको बताया जाता है कि आप ये कर लो तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो सोसाइटल प्रेशर है वो आप भी एक मेल है और ये मैंने स्पेशली आपके साथ इंटरव्यू इसीलिए कर रही हूँ, तो जो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आता है क्या आपको लगता है कि वो भी एक मेल की मेंटल हेल्थ पर असर करता है? देखिए सोसाइटी की तरफ से एक ये प्रेशर रहता है कि वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, हमें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है टुवर्ड्स फैमिली, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना है, फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत जल्दी जरूरी है,
ताकि आप वाइफ का, बच्चों का, सबका ध्यान रख सको। तो उसकी वजह से कई बार जो है मेल्स काफी प्रेशराइज फील करते हैं। फिर कई बार आफ्टर मैरिज देयर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यू नो बिटवीन द वाइफ फैमिली इन लॉज, तो उसमें कई बार मेल्स जो है बीच में यू नो दे हैव टू चूज अ साइड बिटवीन द यू नो फैमिली, वाइफ को चूज करना है या फैमिली को चूज करना है, उसमें एक कॉन्स्टेंट जो है फाइट उनकी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो उसकी वजह से जो है कई बार वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं और कई बार डिप्रेस और एंग्शियस आते हैं हमारे पास। सो यस, सोसाइटल प्रेशर डस प्ले अ रोल। एंड सर, जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना तो सबके लिए डिफिकल्ट है, जैसे हमने पहले बात की, बट आपको ऐसा लगता है कि जो मेल है वो अपनी फीलिंग्स जल्दी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको कुछ ऐसा डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई क्लोज वन हो या कोई भी हो। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी मेल्स हैं वो इतने इमोशनल नहीं होते एज कम्पेयर टू अ फीमेल इज मोर इमोशनल एज कम्पेयर टू अ मेल, एंड उसकी वजह से कई बार वो अपने इमोशंस समझ भी नहीं पाते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो पीपल विल सी मी एज वीक। सर, जैसे वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, जैसे कि कोई भी वर्क प्लेस पे जो भी स्ट्रेस होता है, क्या वो भी मेंटल हेल्थ का एक इशू बन सकता है किसी भी इंसान के लिए? वर्क स्ट्रेस भी इशू बन सकता है डेफिनेटली। जैसे कि मैंने बोला, फॉर अ मेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एट अ वेरी अर्ली एज। सोसाइटी का ये एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई आप जल्दी कमाने लग जाओ, अच्छा कमाने लग जाओ, तो उसके चक्कर में दे स्ट्राइव टू डू बेस्ट एंड कई बार ओवरवर्क हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, विच कैन अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। एंड सर, ये लाइक व्हाट रोल डज द हेल्थ केयर प्रोवाइड फॉर मेंस मेंटल हेल्थ, इज देयर एनीथिंग व्हिच हेल्थ केयर डू? देखिए, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यू नो देयर, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक कि भाई मेल्स के लिए हमारे पास ये है या फीमेल्स के लिए है, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर अ पर्सन हु इज ओवरवर्क, लोअर स्ट्रेस और हैविंग सम फैमिली इश्यूज, जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल एंड दे विल गाइड यू व्हाट इज गुड फॉर यू। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है मेल में, वैसे तो आपने बताया कि कुछ ऐसा डिप्रेस नहीं होता है, बट हम एक बार साइंस एंड सिम्टम्स पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, डिप्रेशन के अगर हम सिम्टम्स देखें तो डिप्रेशन इज लाइक कि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, काम में मन नहीं लगेगा, आपको रोना आएगा बहुत ज़्यादा, सुसाइडल फील होगा, स्लीप डिस्टर्ब होगी, भूख नहीं लगेगी, वेट गेन या वेट लॉस हो सकता है, अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आएगी मैंने कुछ गलती कर ली है, या होपलेस हेल्पलेस फील होगा। ये सारे सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते तक रह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली परवेसिवली रह रहे हैं, तो फिर हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं। और अगर आप एंग्जाइटी देखेंगे तो एंग्जाइटी जो है डिप्रेशन का एक माइल्डर फॉर्म ही होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, डिप्रेशन डार्क ब्लू है, एंग्जाइटी लाइट ब्लू है। एंग्जाइटी में बस नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, शिवरिंग होना, पसीने आना, या फिर चीज़ें भूल जाना, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डिप्रेशन। ओके, एंड सर, क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पर भारी पड़ सकती है?